सबसे पहले स्वागत है आप सभी चैम्प्स का एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है हमारी टीम की तरफ से। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने इंग्लिश से कर चुके हैं हम लोग, और आज हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंजक्शंस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में बोला जाता है इसे पूर्व सर्ग। अब सबसे पहले जान लेते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कोई भी जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है उसका रिलेशन अगर हमें किसी सेंटेंस से बताना है तो वहाँ पर हम वर्ड का यूज़ करते हैं, वो होता है प्रीपोजिशन। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी सेंटेंस से बताने के लिए या किसी वर्ड्स का जो ग्रुप है उससे बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, शी इज़ फेथफुल टू मी। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ की गई है वो की गई है टू। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। तो यानी कि मी जो है प्रोनाउन, उसका रिलेशन इस सेंटेंस से बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है, जो कि क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन जो है हमारा प्रोनाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी भी सेंटेंस से। अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं इन, एट और ऑन। तो आज हम इन्हीं का यूज़ जो है देखेंगे किस तरीके से, कहाँ पर इनका यूज़ होता है, कहाँ पर एट का यूज़ होता है और कहाँ पर ऑन का यूज़ होता है। अब देखिए, ये पढ़ने से पहले जान लीजिए कि जैसे अब आप लेते हैं इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनका देखिए जो यूज़ है वो दो तरीके से होता है। प्लेस की अगर बात करूँ यानी कि किसी स्थान के लिए अलग तरीके से यूज़ होता है और टाइम के लिए अलग तरीके से यूज़ होता है। तो कहाँ कहाँ पर देखते हैं, चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं हम एट। तो देखिए, ऐड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ऐड जो लगता है वो द प्लेस के आगे लग जाता है। जैसे कि द प्लेसेस के आगे, यानी कैसे, मान लीजिए आपको दिया जाए यहाँ पर सिनेमा, तो सिनेमा के आगे आप ऐड का यूज़ कर सकते हैं, एयरपोर्ट और स्कूल, बैंक, थिएटर, इस तरीके के जो आपके वर्ड्स होते हैं इनके आगे आप ऐड का यूज़ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ऐड का। यहीं अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऐट का जो यूज़ है हमारा नॉर्मली बड़े गांव या कोई कस्बा है या शहर है तो उनके नाम के आगे नहीं किया जाता, ये आप याद रखिए। ज़्यादातर क्या होता है, छोटे जो शहर होते हैं हमारे या छोटे कस्बे होते हैं, छोटे गांव, उनके लिए ऐट यूज़ किया जाता है। बड़े गाँव या बड़े शहर के लिए जो है ऐट का यूज़ हम नहीं करते। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ही लिव्स एट पटना। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पटना अभी अभी बताया कि किसी भी बड़े शहर या बड़े कस्बे वगैरह के आगे हम ऐट का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैंने पटना लिखा हुआ है और पटना कैसा है, एक बड़ा जो है शहर है। तो इस तरीके से पटना जो है छोटा नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐट का यूज़ नहीं करेंगे। जब आप किसी छोटे कस्बे या छोटे शहर या छोटे गाँव की बात करेंगे तभी सिर्फ ऐट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ऐट जो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है, ही लिव्ड इन पटना, यानी कि छोटी जगहों के लिए सिर्फ ऐट का यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए सिनेमा, एयरपोर्ट, स्कूल, बैंक, थिएटर, इन सभी के आगे आप ऐट का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको दे दिया जाए फुल एड्रेस, आपको अगर फुल एड्रेस दिया जाए तो वहाँ पर आप ऐट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए ऐट 33/7/4 C Delhi। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको फुल एड्रेस दे दिया गया है, तो यहाँ पर आपने ऐट का यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐट का यूज़ कर सकते हैं। ये थे आपके प्लेस के रेस्पेक्ट में। तो प्लेस के रेस्पेक्ट में आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जगह में आपको अगर दे दिया जाए सिनेमा, एयरपोर्ट, स्कूल, बैंक, थिएटर, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, छोटे शहर, कस्बे या गाँव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको फुल एड्रेस दे दिया जाएगा तो वहाँ पर भी आप ऐट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम आपको किस तरीके से दिया जाए कि आप वहाँ पर ऐट प्रीपोजिशन का यूज़ कर सके। तो देखिए, जब कभी आपको दे दिया जाए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप ऐट का यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर टाइम। अब पर्टिकुलर टाइम मैंने बोल दिया, अब ये पर्टिकुलर टाइम किस तरीके से, देखिए एग्जाम्पल आपको
हर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप जो ट्रिक पढ़ रहे हैं, हर ट्रिक के लिए एग्जांपल जरूर ध्यान में रखें। उससे क्या होता है, उससे आपकी जो ट्रिक आप पढ़ रहे हैं वो और अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाती है, एग्जांपल के तौर पे आपको वो याद रहती है एग्जांपल से। जैसे आपको दे दिया जाए 2 o'clock, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 o'clock में एट का यूज़ आप कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम इस तरीके से समझ के चलिए, जैसे 2 o'clock, इस तरीके से अगर आपको टाइम दिया जाए तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि किसी भी वीक या फिर मंथ के स्टार्ट और एंड की बात की जाए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है एट द स्टार्ट या फिर हो सकता है यहाँ पर एंड, तो एट द स्टार्ट ऑफ मार्च या फिर एट द एंड ऑफ मार्च। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिल जाए स्टार्ट या फिर एंड आपको दिया जाए वीक और मंथ का, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट और एंड के लिए जो है आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप फोकस रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिया जाता सिर्फ मार्च तो वहाँ पर आप एट का यूज़ नहीं करते। जब भी किसी सिर्फ मंथ, ईयर और सेंचुरी की बात की जाती है तो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर एट का यूज़ सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये जो है पर्टिकुलर केस इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट और एंड का यूज़ किया गया है, सिर्फ इसलिए। अगर यहाँ से स्टार्ट या फिर एंड को हटा दें तो यहाँ पर एट का यूज़ नहीं होगा, फिर यहाँ पर जो है इनका यूज़ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मंथ, ईयर और सेंचुरी के साथ हमेशा इन लगता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद तो देखिए, ये था आपका यूज़ एट का। एट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये मैंने आपको बता दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में भी और प्लेस की रिस्पेक्ट में भी। अब हम बात करते हैं इसके बाद ऑन की। तो देखिए, जब किसी चीज़ के सरफेस की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। सरफेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि हो सकता है आपका वॉल यानी कि दीवार, या फिर हो सकता है फ्लोर, सीलिंग, इस तरीके से आपका जो है हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लेस हो सकते हैं, उसके अगर सरफेस की बात की जा रही है तो वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करेंगे। दूसरा, आप किसी भी डायरेक्शन की अगर बात कर रहे हैं या बिल्डिंग के कोई लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो ये जब ये जो है ये लेवल हैं बिल्डिंग के, तो बिल्डिंग्स के लेवल या फिर डायरेक्शन की बात की जा रही है तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया इस तरीके से। और यहाँ पर हो सकता है ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द सीलिंग, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, तो इस तरीके से जो है आपको बिल्डिंग्स के लेवल और साथ में जो है किसी भी जो डायरेक्शन है उसके साथ यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो जाता है। ये थे हमारे प्लेस से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं टाइम में कहाँ कहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी आपको डे का नेम दिया जाए, डे का नेम किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि हो सकता है आपका मंडे, तो अगर आपको कोई डे का नाम दिया जाए या फिर हो सकता है डे का आपको पार्ट दिया जाए, पार्ट किस तरह से, जैसे कि मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग, मंडे आफ्टरनून, तो इस तरीके से ये अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डे दिया जाए या डे का एक पर्टिकुलर पार्ट दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं मंडे आफ्टरनून, तो इनके साथ आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट दी गई है कैलेंडर की या फिर कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल डे दिया गया है, जैसे कि ऑन क्रिसमस डे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल डे दिया गया है आपको, तो वहाँ पर आपने ऑन का यूज़ किया है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर डेट दी जाए जैसे कि ऑन 19 सेप्टेम्बर, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डेट दी गई है, यहाँ पर भी आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे ऑन का यूज़। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इन का यूज़। अब देखिए, इन का यूज़ जो है किसी भी बड़े गांव, शहर, कस्बे के आदि के नाम के आगे जो है हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एट के टाइम पे जो कि गलत था, ये रहा देखिए, ही लिव्स एट पटना, ये गलत था, तो यहाँ पर आपको इन लगाना था। तो यही रीज़न है इन इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पटना जो है एक बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ हुआ। तो यही ट्रिक आप याद रखें यहाँ पर। दूसरा, इनका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए आपको दिया जाए, इनका यूज़ आप करेंगे, आपको मान लीजिए दिया जाए द, इसके बाद हो सकता है रूम दे दिया जाए तो इन द रूम हो जाएगा आपका, वेदर हो सकता है तो आपका हो जाएगा इन द वेदर, दूसरा किचन, बेडरूम, रेन, इस तरीके से यहाँ पर आपका हो सकता है
किचन, बेडरूम, रेन, इस तरीके के वर्ड्स जब आपको मिलेंगे तो आप इनके आगे इनका यूज कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए टाइम की, तो टाइम देखिए किसी भी डे का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, जैसे कि आपको दे दिया जाए मॉर्निंग, इसी तरीके से आफ्टरनून, इवनिंग, तो इस तरीके से अगर किसी भी डे का आपको एक पर्टिकुलर पार्ट दिया गया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इनका यूज़ करेंगे। अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे आपको दिया गया है कि इसका आफ्टरनून, यानी कि मंडे का आफ्टरनून, यहाँ पर कोई भी आफ्टरनून हो सकता है, तो यहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाता संडे मॉर्निंग या फिर संडे आफ्टरनून, तो अगर आपको पर्टिकुलर डे का पार्ट दिया जाए तो आप यूज़ करेंगे ऑन। अगर आपको सिर्फ पार्ट दिया जाए, ये नहीं पता हो कि कौन से डे का पार्ट, तब आप इनका यूज़ करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। इसी तरीके से आपको एक स्पेसिफिक सेंचुरी, यानी कि मंथ हो सकता है आपका, कोई भी ईयर हो सकता है, सेंचुरी की भी बात की जा सकती है, या फिर आप कहिए ऐतिहासिक पीरियड जो थे हमारे, ऐतिहासिक काल जो थे, उनकी भी बात कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो सकता है 19th सेंचुरी अगर आपको दिया गया, तो यहाँ पर भी आप इनका यूज़ करेंगे, यानी कि किसी भी डे का पार्ट, सेंचुरी, मंथ, ईयर, इस तरीके के जो वर्ड्स आपको मिलेंगे उनमें आप इनका प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर आपको साल या फिर दिन या वीक के नाम के आगे ईच, एवरी या लास्ट, नेक्स्ट, दिस, इस तरीके से आपको वर्ड्स मिल जाएं, तो वहाँ पर आप कोई भी प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मिल जाए ईच मॉर्निंग, तो ईच इन मॉर्निंग नहीं होगा, तो वहाँ पर आप जो है यहाँ मॉर्निंग के आगे इनका यूज़ नहीं करेंगे। याद रखिए क्या सेंस, क्या वर्ड्स बताए मैंने आपको, ईच, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट और दिस। अगर ये सब जो हैं दिन, साल, सप्ताह के पहले लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं हमारे प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन। इसके बाद देखिए बचा हुआ पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए।